चप्पल, ये मेरी चप्पल छीन ली है, मैंने दूसरी पहनी हुई है, और मेरी तबीयत चप्पल खराब है तो फिर कहीं। खजूरें खाओगे? क्या करोगे ये तो यार, और गर्म है, ये तो बयां गर्म है, ये सही है। ये सही है ना? तो बला अच्छा है। बाल्टी चाहते कह रहे हो ना अभी कबूतर दाने पानी खोएगा। कबूतर अभी कबूतर चुगाने के लिए जा रहा है। बुआ बुआ वो तेरी दो बुआ है दे, ना? वो बेवा है। हाँ बुआ है। हाँ, एक एक होना तेरी ऐसा हुंदी है, एक तुहाडी। ठीक है। ये के इन्हें इतनी थकावट थी कि जैसे इन्होंने चटाई पे सर रखा और सो गए। और ये है हमारा तकरीब बटा जो कि हमने सब में हिस्से बांटे। वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अकेला वीडियो में नहीं हूँ, मैडम साहबा हैं, प्यारी प्यारी मेरे को। राबिया बेगम आ जाओ। ये आज भी चटाई कल आपने देखा था, हमने बाहर जो है ना धुलाई की थी और अभी यहाँ पर जो है ना धुलाई की है। और ये आप पसीना को जरा गौर करें कि जी बिल्कुल नहाया हुआ हूँ पसीने में, बिल्कुल ही। आज जितनी गर्मी थी मैं थक बहुत गई। शदीद। इस तरफ से आ जाओ, सलाम दुआ तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक इतले हैं? कर साहब, खैरियत से हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो अच्छा मैं यहाँ पर, मुझे आपको। एक बात पे हंसी आ रही है तुमसे। हाँ जी ये पतीला रखने जा रही हो? पतीला रख के जल्दी से इधर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि मुझे हंसी किस बात पे आ रही है, और आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जरा मैडम साहबा की चप्पल पे गौर कीजिएगा अभी दुकान है बंद है। मेरी चप्पल, ये मेरी चप्पल छीन ली है, मैंने दूसरी पहनी हुई है, और मेरी चप्पल पहनी हुई है, और अभी हम लोग जा भी बाहर रहे हैं यही पहन के और जाऊंगी। यही पहन के जा रहे हैं। हम लोग जा भी बाहर रहे हैं चले अभी यही पहन के चलोगी? हाँ ये ये क्या वाली पहन लो, ये लेडीज चल जाती है। दुकान खुलेंगी तो मैं चप्पल लेकर आऊंगी ना। ये वाली पहन लो, ये वाली चल जाएगी। अच्छा आज मैंने सूट भी चेंज किया हुआ। हाँ सेम कलर है लेकिन ये सूट इसका पुराना है। ये फ्रॉक है, बहुत पुराना सूट है। चले अभी हाँ चले। हाँ ये मुझे दे दो चप्पल, तुम ये वाली पहन लो। चलो ऐसे और करते हैं। ये हमारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी भी तैयार है, बेगम भी तैयार है, और ये पतीले में रखा हुआ है। हाँ जी हटा के दिखाओ जरा। और ये पतीले में देखें कि हिस्से करके जो है ना हम जा रहे हैं जी, जहाँ पे हैंड पंप्स लगाए थे, जो नीडेड फैमिलीज हैं उनके घर पे, वहाँ पर उनको तकसीम करने के लिए। अल्लाह पाक अपनी राह में कबूल और महफूज फरमाए। एक घर ये है, माँ भी बेवा है और बेटी भी बेवा हाँ जी। है ना? दरवाज़ा बजाओ अभी, वो नहीं गिरेगा, तुम दरवाज़ा बजाओ। इनका हक पहले है। अम्मा तेरे कितना है? अच्छा कहाँ है? बेड लेकर गई है। उनकी जो बेटी बेवा है वो है? नहीं नहीं छोटी बेटी है उनकी। अच्छा बेटा, ये आपका गोश्त का हिस्सा है? ये आपकी एक वो वाली बहन का है, बहन है नंद। हाँ उठा, तेरी मासी रान ये मास, तेरी चाच क्या थी, बुआ, बुआ वो तेरी दो बुआ है ना? दे बेवा है। हाँ बुआ है। हाँ, एक होना तेरी ऐसा। हुंदी है, एक तुहाड़ी। ठीक है, वो सेकंड हाँ वाला घर है, वहां पर भी लगाया था और उससे आगे भी है। हाँ और जी एक ये घर है मैंने जो आपको दिखाया था, वो सेकंड वाला हैंड पंप जो लगा हुआ है, जो इनका बेटा भी इनको पानी नहीं भरने देता है, वो बाबा जी सोए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। चलें बाबा जी के हाँ पास। चलो देख के आओ, मैं यहीं से जो है ना कवरेज दे रहा हूँ। ये बाबा ये जी, तोड़ा तबियत हिस्सा है। तबियत तो सुनो, तबियत ठीक है नहीं? अच्छा ये तोड़ा गोश्त है, अल्लाह ये तोड़ा हिस्सा है। पाक कबूल करे जी। बाबा जी की हालत आपके सामने है, बाबा और जी की वो वाला कमरा है इनका। गर्मी है बाबा जी, बाहर पड़े हुए नहा। पखा ला तो बाहर सुमे आ, पखा अंदर चले ही पेन, बात भी नहीं कर सकते। अस्तगफुरुल्लाह, पंखे अंदर चला के सो। अभी कौन सा वाला घर है? अहमद ये वाला घर है जहाँ ये वाला लगी हुई। हाँ चलो, एक हैंड पंप इस घर में लगाया था, एक उस घर में लगाया था, और एक उस घर में, और एक जो अभी गोश्त दे के आ रहे हैं इस घर में लगाया था। अभी अम्मा जी को बाहर बुलाया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हमें भी जाना है। हाँ जी बहुत जल्दी जल्दी में है हम लोग। अम्मा जी तो है नहीं, ये इधर दे दो भाई को, ये अम्मा जी तक पहुँचा देंगे। ये अम्मा जी का हिस्सा है, जहाँ जहाँ हमने हैंड पंप लगवाया सबको हिस्सा घर पर देकर आए। अभी जो है वो सामने आपको एक घर नजर आ रहा है, उनकी चार दीवारी भी नहीं, अम्मा जी हैं, बेवा हैं, चार बच्चियों का जो बोझ है। अभी उनकी रिसेंटली वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे पड़ी है,
तो अभी उनका हैंड पंप मुहिम जो है वो अभी ईद के बाद लगना। फौरन जो है ना लग जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम उनको हिस्सा देने के लिए ये जा रहे आप हैं। घर की कंडीशन यहीं से देखें कि घर की चार दीवारी भी नहीं है, ये देखें जो है ना कपड़ा डाला हुआ है। अम्मा जी को बुलाया है क्योंकि इनके घर में है कुत्ता, और अच्छी राबिया वैसे ही कुत्ते से बहुत डरती है। मेरी पहले लात लग रही है, दूसरी भी हो जाएगी लग रही। अम्मा जी आ रही हैं। टोरा टोरा अम्मा टोरा टोरा अम्मा टोरा सुनानी साकू। हाँ सुना दी। हाँ नल के आले से तेरा नलका आया पे ईद के बाद, आज कल ईद मौके से बल आद ला वेसन। अच्छा आया बा। हाँ माँ इतना गोश्त चाहती दूं। ना ना तेरा हक बन दे, तेरा हिस्सा है ए ए दू थे लिया ठीक है। तेरे घर वड़ा फैमिली तेरी ज्यादा है। हाँ लैटरिन ही कहीं मेरे को पता है, देख परले पास एक नु जा साफ करा सटी ठीक है। नलका चार दीवारी सारा कुछ लवा दे सू, नलके भी चार दीवारी लवा दे सा ताकि बंदा धार दिन अंदर रहे ठीक है। हां ओले ओले ओ बे बे घर दम दो दे। हां एक चार दीवारी लवा दे सा ना ऊंची बड़ा धम से बैठे अंदर। अच्छा सीमेंट भिजे सा तू वही का पूरी फेल करे बैठा था। चलो अल्लाह करम करे से छोकरा के देवे जो हुए। अल्लाह 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 करम करे से ए पानी का दिपलावा कहना ए दुआ करी ठक सारी बस इतना ही सारा क्या सा के दे आऊं। अल्हम्दुलिल्लाह शाम भी हो चुकी है और हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके तो अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। और यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जैसे ही सुबह कुर्बानी की है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहीं पर मुस्तहकिम थे हमने यहीं पर जो है ना एहतमाम रखा था, तो लोग यहीं से भी आके ले गए थे। बाकी जो कुछ रहता था तो वो हमने पहुंचाना था, हमने हिस्से बना के रख दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना अभी वो सर अंजाम दे के तो, और अभी शाम भी हो रही है और घर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल शाम होने वाली है इस वक्त, शाम के साए ढल चुके हैं और हम लोग ये नहर के ऊपर ही जा रहे हैं। अगले दिन भी यहीं से गुजरे तो जिस दिन वो कुत्ते से डर के खड़ी हो गई थी वहाँ पीछे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़े से ही दूर रह गए हैं हम लोग अपने घर से इंशाल्लाह। आगे भी एक कुत्ता खड़ा है और कल भी एक सिस्टर की अमानत है, वो भी इंशाल्लाह बासादा तरीके से पहुंचाई जाएगी अल्लाह की रहमत चाहेगी और इंशाल्लाह। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन अपनी बहनों का, उन अपने भाइयों का कि जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया, इतना एतमाद किया। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूँ। क्यों रोको तो, क्यों रोको तो, कुत्ता कुत्ता है आगे। हाँ रोको तो, छोटी सी कुतिया है, मत रोको तो। ये देखें जी ये छोटी सी कुतिया है, इसे डर के वो बेचारी खुद डर के भाग गई है। तो हम पे नहीं डर के और वो जो ये जो फौज नजर आ रही है आपको आती हुई, ये हमारी फौज है, ये लड़ने जा रही है, ये हमारी फौज है उधर वाली हमने जा रही है ये बस। हाँ जी या इसने अपने मालिक को बचा लिया, कर रही थी ना तुम तो जी। बहन भाइयों इसी दुआ के साथ आप लोगों भी चाहेंगे इजाजत के जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी दुआ में हमें याद रखें, शामिल याद रखिएगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा हम सबको याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद अब बंद कर दो, नहर में नहीं गिर जाना। नहीं गिरेगा।